टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर के खिलाफ अब तक आंदोलन कई संस्थाओं और सभी दलों ने मिलकर किया है। फास्ट मीटर ज़्यादा बिल पर मुमरा कौसा शेल के लोग काफ़ी परेशान हैं। एवरेज बिल को लेकर सत्ताधारी पार्टी NCP ने भी आंदोलन किया है। टोरेंट के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व महापौर जो अब कांग्रेस में भी शामिल हो चुके हैं नईम खान और NCP के नगर सेवक शानू पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का प्रहार टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नईम खान जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो है आंदोलन पर आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी हुआ, लेकिन टोरेंट पर कुछ फर्क इसका नहीं पड़ा, क्या राजनीति हुई है? नहीं, ये तो खुली बात है कि पूरी राजनीति है ये, और राजनीति में NCP का बहुत बड़ा हाथ था टोरंटो को लाने में। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ शानू भाई से, कि जिस टाइम टोरंटो आने वाली थी, क्योंकि टोरंटो अभी नहीं आई है, टोरंटो को 2 साल लग रहे थे आने, तो जितेंद्र अवार्ड उस टाइम आमदार थे, उन्होंने एक मीटिंग क्यों नहीं ली? सारे अपोजिशन को बुलाना चाहिए था और मुद्दा रखना चाहिए था, भाई टोरंटो आ रही है, इसमें आप लोगों को क्या राय मशवरा है। लेकिन हम लोगों से नहीं पूछते हुए उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, इसके लिए टोरंटो आ गए। नहीं, ऐसा है ना अनु भाई, आप सुन रहे हैं ना, कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि हमारे सीनियर महापौर साहब, एक्स महापौर साहब नईम खान साहब को शायद ये बात मालूम नहीं है कि हम लोग नागपुर गए थे और नागपुर जाके हम लोग ने एनर्जी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और CM को भी ये बात बोले कि हमारा विरोध है, और नागपुर सेशन में हमने उसके लिए आंदोलन भी किया और मीटिंग भी लगी थी। बात रही जब सभी पार्टी को लेके जाने के लिए, तो पहले से ही जब कोई भी पार्टी के ऊपर मुद्दा सभी पार्टी को लेके चलने की बात होती है, तो 2-3 पार्टी जो है MIM से ले, जैसे कोई दूसरी पार्टी है वो, लेकिन शानू भाई आपने सब कुछ किया, लेकिन इसका कुछ नतीजा निकला? टोरेंट तो आ गई ना। नहीं, वो बात टोरेंट तो आने का कारण ही BJP है, क्योंकि BJP की हुकूमत के टाइम पे टेंडर दिया गया, टेंडर कॉलिंग किया, वर्क ऑर्डर आ गया। आप बात समझिए कि जब कोई हुकूमत किसी चीज़ को वर्क ऑर्डर नियम के आधार पे पास करती है, तो उसको लाने के, उसके कैंसिल करने के लिए दूसरे प्रोसीजर रहते, और जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद ही दुनिया के अंदर महामारी आ गई कोरोना जैसे, और आज भी माननीय मिनिस्टर साहब जितेंद्र अवार्ड साहब और MCP का विरोध है टोरेंट का। अगर विरोध नहीं होता तो टोरेंट को ठीक है जैसे चल रही चल रही, विरोध नहीं, आप आए सत्ता में आए तो कैंसिल कर दिए होते ना टोरेंट। नहीं, अभी कैंसिल की बात तो नहीं, मैं ये बताऊं, जितेंद्र साहब का, आमदार साहब का एक स्टेटमेंट था कि हम लोग हुकूमत में नहीं है, जिस दिन हम लोग हुकूमत में आएंगे उसी दिन हम टोरंटो को कैंसिल करके घर वापस भेज देंगे, फिर क्या हुआ? नहीं, नहीं, यही बात मेरा भी यही बोलना है कि आज हमारी सरकार आई है और उसके बाद देश दुनिया में महामारी आ गई है। आप बात समझिए कि दुनिया के अंदर महामारी आ गई, कोविड के अलावा दुनिया के सारे डेवलपमेंट, सारे बड़े काम, छोटे काम जो सब ऐसे ही रख दिए गए पूरी दुनिया। एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। अभी कोरोना अभी आया है, आपकी सरकार 2019 में बन चुकी थी, और 19 में बनने के बाद आपके हाथ में 4 महीने थे, आप चाहते तो टोरंटो को यहाँ से वापस भेज सकते। 19 ये अभी कोरोना तो अभी आ रहा है, 4 महीने जनवरी के अंदर आ चुका था, अब दिसंबर में सरकार ने जनवरी में कोरोना आ गया, हमने तो जनवरी में कोरोना, जनवरी फरवरी में कोरोना का संकट आ चुका था, और उसके बाद फरवरी में ट्रंप साहब लेकर आए थे, फरवरी में लेकर आए, मार्च में यहाँ जोर पड़ रहा है ट्रंप, लेकिन वो कोरोना में ही लोग बिजी हो गए, और कई ऐसे अहम मुद्दे जो सरकार ले ही नहीं पाई। लेकिन आज भी मैं आपको बोलता हूँ, हमारे सामने सीनियर लीडर नईम खान साहब बैठे, मेरी उनसे विनती है कि अभी वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के ही मिनिस्टर, अभी जो कांग्रेस के मिनिस्टर है नितिन राउत साहब, वो पावर एनर्जी मिनिस्टर है, आप मीटिंग लगाइए और राष्ट्रवादी की तरफ से शिक्षण मंडल डेलीगेशन लाना जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके साथ आएंगे। आप कांग्रेस में गए हैं और मेरी शुभकामना भी है कि आप इंशाल्लाह इस्लामुद्दीन भाई, एक मिनट के लिए, अच्छी बात हुई है, नईम खान साहब ने ये बात बोला भी है, नईम भाई ने
तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस में वो गए और नितिन राउत से अपॉइंटमेंट लें और मीटिंग तय करें। उनके हाथ में अभी वो एनर्जी और पावर मिनिस्टर, उनके हाथ में, हम साथ में आएंगे और स्केट कैंसिल। नहीं नहीं, आप लोग कह रहे थे कि हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, बुमरा कौसा में कदम रखने नहीं देंगे, फिर टोरेंट भी आ गई, आपने भी हाल ही में आंदोलन किया है, क्या फर्क पड़ा इससे? मैंने टोरेंट के बिल और एवरेज बिल के खिलाफ आंदोलन किया, बताइए ना। मैंने टोरेंट के बिल और एवरेज बिल के खिलाफ किया हूँ आंदोलन। मैं आपको आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो नितिन राहुल की बात कर रहे हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री की बात कर रहे हैं, क्या इनके मंत्री कमजोर है क्या? इनके मंत्री खुद कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, नजदीक है हमारे मिनिस्टर आपको बात करके, संजय राउत के बहुत नजदीक है, शरद पवार के बहुत नजदीक है। आज शरद पवार और उदय ठाकरे आपस में रिश्तेदार है, अगर ये इच्छा है मुसलमानों के लिए अगर कुछ भला करना चाहते हैं, क्योंकि 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं एनसीपी, लेकिन किसी का मामले का हल नहीं हुआ। बस खाली आंदोलन कर, एनसीपी ने 11 साल में जितने बड़े मुद्दों पे आंदोलन किए, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी फैसला नहीं हुआ। लोगों ने जितने भी आंदोलन किए वो सक्सेसफुल हुए, और शहर का डेवलपमेंट। सुन लो पहले, आपका एक नेता ये बोल रहा था कि भाई मेरी लाश पे से जाओगे मैं अपने आपको फांसी दे दूंगा, अपना ट्रांटो आ गई। अभी वही आदमी मुंह छुपाते फिर रहे, बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने भी उनका काम चल रखा है। पहले बात समझो, आप कमिटमेंट पब्लिक को करते हो तो कमिटमेंट पूरा करो। नहीं तो 2022 के अंदर यही जनता आपसे बदला नहीं ले तो मेरा नाम पलटी गया। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपके पार्टी का ऊर्जा मंत्री है तो आप क्या कोशिश करेंगे आगे, और क्या ये बताइए। मैं आपको आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या जितेंद्र अवार खड़े रहकर मुमरा के लोगों से बोल दें कि ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे जिसका खाता जो मिनिस्टर अवेलेबल है वो कांग्रेस के है, अभी आप मेरी हम लोग तो विरोध में है और माननीय मिनिस्टर साहब भी साथ में आएंगे, लेकिन आप वरिष्ठ लीडर होने के नाते खान साहब एक वरिष्ठ लीडर होने के नाते आप मामले को उलझाओ नहीं, आप मेरी बात सुन लो। 2019 के अंदर और 19 से पहले ये 2 साल से मैटर चल रहा है। इन्होंने जितेंद्र अवार ने वायदा किया कि नहीं मैं ट्रांटो को नहीं आने दूंगा, इनके शमीम खान ने बोला मैं ट्रांटो को नहीं आने दूंगा, डोरोमोन ने बोला मैं ट्रांटो को नहीं आने दूंगा, उसके बाद ट्रांटो आ गई। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब मेरा मंत्री तो अभी आया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी आए हैं तो अभी क्या करेंगे? लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, क्या करेंगे अभी आप? मेरा ये बात अरे मेरा ये बोलने का मतलब है, इस्लामुद्दीन भाई मेरी एक बात ये बोलना है कि एक चीज गलत हुई है और बीजेपी की सरकार ने की है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कि उसका विरोध करके उसके लिए जाना चाहिए? कांग्रेस के हाथ में खाता है, कांग्रेस के हाथ में खाता है और राष्ट्रवादी चला गया है तो पहले क्यों नहीं खा रहा है? मेरा एक बोलना मकसद है कि कांग्रेस के हाथ में खाता है तो बात समझो। इन्होंने एनओसी क्यों दी? कोई एनओसी नहीं दिया, कोई एनओसी नहीं दिया। अरे बीजेपी गवर्नमेंट किसी से एनओसी लेगी क्या? बीजेपी गवर्नमेंट किसी से एनओसी लेगी क्या? जो मिठाई मिलती है नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट किसी से एनओसी लेगी? सवाल नहीं उठता है। बीजेपी गवर्नमेंट के टारगेट में जितेंद्र अवार कई सालों से आपको नहीं मालूम आएगा कि जितेंद्र अवार बीजेपी के कितने नजदीक है? सवाल ही नहीं, मैं मानता ही नहीं उस बात को। नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि उनको बीजेपी और सपोर्ट किया था, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बीजेपी को एनसीपी ने सपोर्ट किया। आपके बगैर सपोर्ट के होता नहीं। मैं एक बात को आपको बता देता हूँ, शायद आपको ये बात मालूम नहीं है कि आपको ये बात मालूम नहीं है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग जितेंद्र अवार साहब की फैमिली के बारे में अपशब्द रोज ट्विटर करते हैं, रोज फेसबुक पे अनर्चना लिखते हैं। ऐसी दोस्ती में ऐसा नहीं होता है। ओ चानो भाई, ये राजनीति मेरे को मत सिखाओ। अपशब्द बोलते ना, प्रेस बोलते, एक दूसरे के लिए बोलते, साथ में खाना खाते,
मैंने वो भी देखा। देखिए वो तो कौन ऐसा नहीं है, आज कांग्रेस के कौन से लीडर बीजेपी के साथ खाना नहीं खाते? आप लोग टोरेंट पर बात कर रहे हो, टोरेंट का कैसे हल निकलेगा? जिस तरह से शानू भाई के हल निकलने का एक ही रास्ता है, माननीय आपने आंदोलन किया शानू भाई, सुनिए, आपने एवरेज बिल को आंदोलन किया लेकर कि एवरेज बिल जो है ज्यादा आ रहा है, लेकिन पूरे शहर में पूरे शहर के लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी आपको मैं एक महीने का उन्होंने वक्त लिया था, आज 12 दिन बाकी है। अगर उन्होंने एवरेज बिल के लिए पूरे मुंब्रा के 5 पैनल में अगर उन्होंने सेंटर वाइज कैंप लगा के दुरुस्ती नहीं की तो आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा, और उसके लिए चाहे मुझे हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो मैं कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी पार्टी के तरीके से जितना हो सकेगा मैं विरोध करूंगा और कोर्ट के जरिए भी टोरेंट को यहां से भगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बीजेपी गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी लाई है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, आजादी से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट डाइनिंग कंपनियां थी, सुनिए इस्लामुद्दीन भाई सुनिए 331 कंपनियां गवर्नमेंट रनिंग प्राइवेट चली गई है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप समझिए। 331 कंपनियां रनिंग करती थी गवर्नमेंट, जिसको प्राइवेट नहीं थी। आप मत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल बोलिए, सीधा सवाल है, आपने बिल देखा है क्या लाइट का? हाँ देखा ना। इलेक्ट्रिक का बिल देखा? हाँ देखा ना। देखा ना, एक जगह MSLDC है और एक जगह ट्रांडो पावर है, ये बिल कौन कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांडो कर रहे हैं या MSB कर रहे हैं? MSDCL प्रिंटिंग अभी तक MSDCL बिल ट्रांटो बिल आ रहा है, MSB का सुन लीजिए, बिल आ रहा है MSB का, ट्रांटो खाली बिल कलेक्टर है या ट्रांटो की लाइट है, ये आप खुलासा करते थे नीचे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए आप, टोरेंट को बिल MSDCL अभी तक छाप के टोरेंट को दे रही है। अरे भाई साहब बिल देखो, आप बिल देखा तो सभा में बात करो, बिल देखो MSP का बिल है और ट्रांटो का साइड में खाली छाप लगा हुआ है ट्रांटो पावर का, तो पहले ये तो बताओ लाइट कौन दे रहा है, MSP दे रही है ट्रांटो दे रही है या बिल का बोल रहे हो? ट्रांटो बोलते हैं हम तो खाली पैसा वसूली के लिए, नहीं नहीं नहीं, आप टेक ओवर इस्लामुद्दीन भाई, खाली बिल कलेक्शन करती थी तो मुमरा कौसा के अंदर 25% जो ऊपर से एलटी पोल के जरिए लाइट जाती थी वो अंडरग्राउंड हो गई है, ये आपको मालूम है? मुमरा कौसा में आपको कितने लोगों की जान गई है अब तक, कौन सी बोलना क्या चाहता हूँ सुनो ना, टोरेंट कंपनी ने अंडरग्राउंड के बारे में काम शुरू कर दिया है। ट्रांटो जब आई नहीं थी, जब चानू भाई के मेरे पास फोटो है, ब्लू केबल लगवा लगा डाल रहे थे, लोगों को दे रहे थे, और लोगों ने जब उस टाइम सवाल किया तो एक ट्रांटो का केबल डलवा रहे, तो चानू भाई बोले मालिक मेरा दोस्त है, अब ट्रांटो का मालिक जब इनका दोस्त है तो ये कितना टाइम लगेगा कैंसिल करने के अंदर? अरे ट्रांटो का मालिक का मेरे को नाम भी नहीं मालूम, मेरा काम है, देखिए बता दूं, बीजेपी गवर्नमेंट शरद पवार, सुनिए शरद पवार, जितेंद्र पवार और शानू भाई इतने नजदीक है एक दूसरे के, क्या जो छाए वो उम्र में कर ऐसी और देखिए कांग्रेस के समझ नहीं नहीं कांग्रेस के पास खाता है, नितिन राउत से आप अपॉइंटमेंट कब लेंगे हमारे नेताओं में से आप अपॉइंटमेंट कर ले, अच्छा है हम साथ में चल रहे हैं, आपके लगाने वाला आदमी नहीं है, बोल रहा है नीतीश बोल रहा है अपॉइंटमेंट आप ले जाओगे जाओगे चलिए तैयार लड़के ट्रांटो कैंसिल करना की बात, आप चाहते हैं ना रे, हम ये चाहते हैं, आप चाहते हैं ना, आप नितिन राउत से अपॉइंटमेंट लीजिए, आप सीनियर हैं हम आपके साथ चल रहे हैं, पहले जितेंद्र रावत को खड़े रखे जितेंद्र रावत सबके टोरेंट के बारे में कुछ नहीं कर टोरेंट टोरेंट जितेंद्र रावत सबका विरोध है,
क्योंकि उन्होंने भी 11 साल कुछ नहीं किया और टोरंटो को लाश से बोलने में कुछ नहीं करते। 11 साल क्या किया राहुल गांधी जी ने देखी है और मुमरा कौशल ने देखने के बाद ही आज राष्ट्रपति के अपने नाम से हो गए। नहीं वो जा रहे, वो मिनिस्टर आ रहे जा रहे, वो सब आप तो ट्रंटो की बात, आप नितिन राउत से अपॉइंटमेंट कर ले रहे, राष्ट्रपति अपने यहाँ चलने तैयार है। चालू भाई जो लोगों के 3 महीना 4 महीने के बिल है, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए हैं, अगर टोरेंट पावर कैंप भी लगाती है, चलिए कैंप भी लगाती है, तो कितना कम करेगी? मेरे बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो पांच जगह कैंप लगने के बाद सत्ताधारी है ये मंत्री पद पर है, अरे आपकी सत्ता में मंत्री कांग्रेस सत्ता में, सुनो इनके मंत्री अरे कांग्रेस सत्ता में ट्रांटो को बुलाते, ट्रांटो को ऑफिसरों को बुलाते, गुमराह की जनता को सामने बिठाते और फैसला करते, ये आंदोलन मांडोलन है, बेवकूफ लोग निकालते, अरे पूरी का काम नहीं आंदोलन निकालना, अरे अरे कांग्रेस ने देश का आंदोलन करे तभी तो कांग्रेस भागे मंत्री को जवाहरलाल नेहरू जी पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, आंदोलन कर रहे थे हमने अंग्रेजों के खिलाफ, आंदोलन से बहुत कुछ होता है, अरे कुछ नहीं होता 11 साल, अरे प्रधानमंत्री कैसे बने जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे लगा लूंगा, हमने कहूंगा हमने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया बाबा आंदोलन। बताइए ना, अभी आंदोलन आप लोगों ने किए हैं, आंदोलन पे आंदोलन टॉयलेट के लिए भी हुआ, भूख हड़ताल तक हुआ। मेरी बात नहीं, मैं इस्लामुद्दीन भाई, मेरा बोलने का मकसद क्या है, मेरा बोलना यही है कि 5 जगह कैंप लगाया जाएगा सुधारने के बिल के, उसके बाद ये रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे कि अभी तक कितने हजार लोगों के बिल को दुरुस्ती करके सही करके दिया गया, ये पूरी डिटेल हम करेंगे, और अगर हमसे ये माने नहीं तो हाई कोर्ट में भी हम पिटीशन दायर करेंगे, ये पक्का है। हमारे सामने आई उनसे ये पूछिए क्या एनर्जी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर लेना, राष्ट्रपति आपके साथ चलेगी और मिनिस्टर साहब भी आएंगे। पहले मेरा एक जवाब दे दीजिए, चालू भाई सुनिए, आपके मंत्री जी कहते हैं कि टोरेंट वसूलती है पैसा और बिल MSB को भेजी जाती है, बिल कम करने की जवाबदारी किसकी है? बिल कम करने की जवाबदारी MSADCL की है। देखिए मैं बताता हूँ, मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी, क्या हुआ आपको बताता हूँ, टोरेंट के अधिकारियों के साथ जब मीटिंग हुई तो टोरेंट के अधिकारियों को मैंने पूछा कि ये बिल कौन कम करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो पहले के बिल है, जो MSADCL के बिल है, ये 2 महीने के नहीं, ये 3 महीने जैसे जब से टोरेंट ने बिल दिया जब से नहीं, जो पहले के फॉल्टी बिल है MSADCL के, वो हम MSADCL को बिठा के सामने हम बैठेंगे और उनसे कम करा के लेंगे, ये टोरेंट के यहाँ के जो जिम्मेदार है उन्होंने कहा। अरे मेरे शालू भाई आपको एक बात पूछा, आप आज नितिन राउत की बात करते हो, कभी आप कांग्रेस वालों को लेके चले गए साथ में, या आपका कोई आमदार लेके चला क्या? हम लोग हम चलने तैयार है, साथ में ये लेके चलने तैयार है, आंदोलन में आओ, आप इसमें आओ, आप इसमें आओ, अरे अभी कांग्रेस में आए हैं काम किया और आज कांग्रेस में आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि नितिन राउत अपॉइंट में लिए, राष्ट्रवादी आपके साथ चलने तैयार है, मिनिस्टर साहब भी आएंगे। अरे राष्ट्रवादी क्या चलेगी, शरद पवार से बढ़कर कोई नेता नहीं है हमारे सिकंदर, खाता डिवाइड है, शरद पवार का बच्चा है, वो बेटा कांग्रेस के हाथ में पड़ता है, शरद पवार के पैर पकड़ ले, कैसा भी तुम क्या हाथ जोड़ते हो, अरे मेरी सपना मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, खत्म हो जाए, कांग्रेस के हाथ में खड़ा है, आप पावरफुल आदमी है, नहीं नहीं इतना पावरफुल आदमी है, पहले आप समझ लो आपकी नेता वो भी चलेंगे संसद में, वो भी आएंगे मीटिंग में, अरे वो भी मीटिंग में आएंगे, शरद पवार अरे वो भी मीटिंग में आएंगे सर, करेगा ट्रांटो खत्म, तुम हमारे नितिन राउत को बच्चे की क्या बात कर, अरे नहीं वो भी मीटिंग में आएंगे, मिनिस्टर साहब भी आएंगे, मिनिस्टर साहब भी मीटिंग में आएंगे, आप मीटिंग लगाइए, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा शरद पवार, अरे आप कांग्रेस के जिम्मेदार है, मीटिंग में आएंगे तो कैसे चलेगा, अरे तारीख में
कोई नेता नहीं। आप भी मुंब्रा शहर में रहते हैं ना, आप भी राजनीति पार्टी से ना, आप मुंब्रा शहर में नहीं है, मतलब आप भी खाली आप की तरह बात मत करो इस्लाम भाई। मैंने आपको एक बात बोल दिया, जितेंद्र आवाज खड़े रहकर बोलते मैं नहीं कर सकता, बोल रहा हूँ तैयार में चलिए आप अपॉइंटमेंट। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि राष्ट्रवादी के नगर से आएंगे, मिनिस्टर साहब भी आएंगे, आप अपॉइंटमेंट तो लीजिए, खाली बैठ के इंतजार न करने से क्या फायदा। अरे क्या यार बच्चे जैसी बात करो, कैबिनेट मिनिस्टर को मैं अरे आपके मिनिस्टर है, हमारे मिनिस्टर साहब आ जाएंगे उस मीटिंग में, आप मीटिंग लगाइए। बेवकूफ बनाओ, ये आप भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, छोटी सी थोड़ी है, कैबिनेट मिनिस्टर बात कर सकता है, एक दूसरे मंत्री हो सकते। अरे आप भी, अरे कांग्रेस अध्यक्ष है, जैसे इस्लाम भाई बोल रहे हैं ना, मैं मुमरा में रहता हूँ, जितेंद्र और सब खड़े रह के बोलते हैं मंत्री जी, क्या मैं ट्रांटो के बारे में कुछ नहीं कर सकता, हम लोग आवाज साहब मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, आप घुमा फिरा के मेरे पे मत डालो। नहीं नहीं आप, अरे आप नहीं चलते, ये बताइए आप टोरेंट नहीं चलते, बताइए आप लोगों की राजनीति में, आप लोगों की राजनीति में आखिर ये जनता कब तक ऐसे मार फैलती रहेगी, कब तक दो दो महीने तीन तीन महीने के बीच दो दो लाख हमारी राजनीति में नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, दूसरे आरोप लगाते जा रहे हैं, इनकी नियत खराब है, इनको जब वोट चाहिए, जब कांग्रेस चाहिए, और वोट लेने के बाद फिर कांग्रेस को बिल्कुल अंग्रेज, हम लोग ने कांग्रेस को साथ में लेके ही चले इंडिया, कांग्रेस हमने कांग्रेस को लेके साथ में चला है, झूठ ले चाहिए भी चलेंगे, और सरकार में कांग्रेस हमारे साथ होने लगे, हमारे साथ सरकार में कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर सहयोगी हमारी कांग्रेस के ऊपर झूठा छुच्छा करते हैं, ये कांग्रेस के खैर का नहीं है, हमने तो राहुल गांधी से ओपन बात करी है, ये कांग्रेस के बिल्कुल नहीं है, आज इनको 11 साल 12 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, नई खान जैसे को खत्म करने लगे, कोई किसी को खत्म नहीं करता, इंसान जब काम नहीं करता है तो खुद ब खुद लोग खत्म हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करना पड़ता है खत्म नहीं होने के लिए, काम नहीं करेंगे तो शांति पटेल को भी लोग भूल जाएंगे, औरतों से तलाक हो जाती है ना, बीवी से तलाक हो जाती है, खड़े रहकर बोलते भाई मैं नहीं कर सकता, ट्रांटों का काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आप चाहते नहीं मुंबई से टोरेंट जाए, टोरेंट जाए, आप चाहते नहीं कि टोरेंट जाए, टोरेंट जाए ना, हां जाए तो आप अपन किन लोगों से अपॉइंटमेंट लीजिए, हम लोग साथ में यार आपके शरद पवार से बैठक, अरे शरद पवार साहब को कहा अभी इस मामले में उमोना में, और उसका बेटा जो है खुद राज्य मंत्री के दर्जे आपको राय चुका है, आप नितिन से का बेटा थी, आपकी आपकी शरद कांग्रेस के नेता भी अंदर के आपके सबसे बड़े नायक का बेटा, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हां तो ये पहले बात मैं अब नितिन राव को छोड़ो, शरद पवार नितिन राव को कहते सुनेंगे, उनके ऑर्डर बिना टेंडर रद्द नहीं होगा, तीन बेटे उनके ऑर्डर बिना टेंडर रद्द नहीं हो सकता, गरीबों का छूटते नहीं है, गरीब परेशान है, गरीब हाल से बेहाल है, माननीय मिनिस्टर कैसा नहीं है, सब मजे कर रहे हैं, लोग बंगलों में मजे कर रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई पूछा नहीं हाल है, आप थोड़ा आपके मंत्री जी को बोलो गरीब गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान, आप भी बोलो, हम गरीबों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा ध्यान है, और जितना हमसे होता है और हमारे मिनिस्टर साहब से होता है सब करते हैं, हम सुबह से बोलते ना मेरे लोग करना चाहिए वो हम करते हैं, मैं मैदान में और आवाम देख रही है, और आवाम देख के उसका रिजल्ट भी देखिए, क्या सुनिए क्या कह रहे हैं आप उनसे संतुष्ट हैं इस बात से, खान साहब जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं संतुष्ट, क्या कह रहे हैं, खड़े रह के बोलना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ट्रांटो नहीं खत्म कर सकता, मेरे कहने का मकसद ये है, अरे इस्लामुद्दीन भाई सीधी सिंपल बात है, क्या मैं ये चाहता हूँ, क्या नईम भाई नहीं चाहते कि टोरेंट जाए, चाहते कि नहीं, भाई मैं खुद चाहता हूँ, अगर वो चाहते तो नितिन राव साहब का अपॉइंटमेंट ले, मैं मिनिस्टर साहब वहां पे अपना मिनिस्टर साहब अपना रुख साफ कर देंगे, और मिनिस्टर साहब राष्ट्रवादी की तरफ से वो और मुंब्रा की तरफ से ये कह देंगे कि मैं इसका विरोध करता हूँ, ये रद्द होना चाहिए, मुझे ये देखने का नहीं भाई, अरे इस्लामुद्दीन भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर नितिन राव ने टेंडर रद्द नहीं किया, रद्द नहीं किया तो नईम भाई कांग्रेस छोड़ेंगे क्या, ये पूछो पूछो क्या 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 बोले पूछो ना भाई, मैंने सुना नहीं क्या बोला इन्होंने, मैं ये बोल रहा हूँ कि नितिन राउत साहब ने अगर टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया तो आप कांग्रेस छोड़ेंगे क्या, मुंब्रा के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए,
मैं मिनिस्टर साहब की तरफ से राष्ट्रवादी की तरफ से इस्लामुद्दीन भाई, इस्लामुद्दीन भाई राष्ट्रवादी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मैं मेरा क्लियर स्टैंड है, हमारा टोरेंट का विरोध है। अगर नईम भाई बोलेंगे तो मैं नईम भाई बोलेंगे तो मैं मिनिस्टर साहब का लेटर भी लाऊंगा, उनको भी लेके आऊंगा, राष्ट्रवादी के सभी नगर साहब का लेटर लाके नितिन राउत साहब के पास बैठने तैयार हूँ। मेरी आपसे सीधी सवाल है, अगर नितिन राउत साहब कांग्रेस इस टेंडर को रद्द नहीं करती तो नईम भाई कांग्रेस छोड़ने तैयार है क्या, ये पूछो। अरे इस्लाम भाई बोल गया, नईम खान इतना कमजोर नहीं है, ये कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मैं नितिन राउत की बातें, मैं तो सोनिया गांधी से बात कर, ये शरद पवार से काम नहीं कर रहा था। जब भी न्यूज में देखो, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टैंड लेने तैयार हूँ। हमारे नगर सेवक, हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे पार्टी अध्यक्ष लेटर देंगे तोरण के खिलाफ और मीटिंग में अपना विरोध जताएंगे। अगर फिर भी नितिन राउत साहब ने टेंडर रद्द नहीं किया तो नईम भाई कांग्रेस छोड़ने तैयार है क्या? इस्लाम भाई इनको अच्छी तरह मालूम है क्या, इन्होंने साइन किया हुआ है एनी इशू के ऊपर 20 साल के। अरे कोई नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट का साइन कैसे चली गई? अरे मेरे अरे आप इतने बड़े राज्य मंत्री रह चुके हैं, आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट बीजेपी की होगी? अरे अरे इस्लामुद्दीन भाई एक बात आप मेरे को बताओ ना, इस्लामुद्दीन भाई सवाल का जवाब दो, आप पत्रकार हैं, सुबह होता है शाम में। अरे बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस का सही लेगी? एनसीपी कांग्रेस शिवसेना क्या बात कर रहे हो? सरकार है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खान साहब इस्लामुद्दीन भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे टेंडर हुआ है तो क्या राष्ट्रवादी क्या मेरे साइड लेते हैं? आप लोग कह रहे थे ना कि हम हटा देंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ पत्रकार, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मेरा साफ स्टैंड है, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मैं मेरा लेटर देने बोल रहा हूँ, मिनिस्टर साहब आएंगे सभी लेटर देंगे और हमारा विरोध जताएंगे। आप ये पूछो कि अगर कांग्रेस ने फिर भी टेंडर रद्द नहीं किया तो फिर नईम भाई कांग्रेस छोड़िए क्या? फिर क्या छोड़ूंगा, एक बात समझ लो, अगर पब्लिक को फैसला करना है 2022 के अंदर, अगर पब्लिक कांग्रेस को जिताती है मैं कसम खाता हूँ, अगर ट्रेंडो खत्म नहीं किया तो कांग्रेस छोड़ के चले जाऊंगा, राजनीति छोड़। अरे अभी सरकार आपकी क्या बात करते आप, 2022 का इंतजार कर रहे हैं आप, क्या बात करते हो? अरे हमारी बात अभी क्यों नहीं कर रहे आप लोगों, अरे अभी बोलिए, अभी का क्या या भैया क्या खाली आंदोलन किया है, गोली बाजार एनर्जी मिनिस्टर है, पत्रकारों को बुला बुला अभी मतलब फिर आवाम को ये बोलने का, अरे आवाम पूछेगी कांग्रेस का मिनिस्टर है और आप बोलते पहले जीता राजनीति छोड़ के चले, बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि आप मर जाएंगे, कैसी के बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, पठान आदमी है, हम मर जाएगा, हम भी पठान की समझ में आपकी लगाई हुई मीटिंग में, बोला ना चाश पे जाना, फांसी लगा लूंगा, ये हो जाएगा, आपकी मीडिया मेरा सीधी सीधी बात है, जो बात करने की बात, अरे जो उनको मैं आपको बोलता हूँ, जो शानू भाई सुनिए, खान भाई आप भी सुनिए, चुनाव के दरमियान बीजेपी ने स्थगित कर दिया था लेकिन आपकी पार्टी महाआघाड़ी की सरकार बनी और उसे स्थगित करने के बजाय
आपके पास स्थगित का लेटर है क्या? ऑलरेडी साइन हो चुका था इस्लामुद्दीन भाई, मेरा ऑब्जेक्शन है, आपके पास स्थगित का लेटर है क्या? तारीख बता दो, 2019 में कब साइन हुआ है? आ जाओ मेरे पास रखा हुआ है, साइन है। ठीक है, आप खान साहब, आप भी रहते हैं, तो आप नईम खान के घर पे रेड करवाओ, बस नईम खान का घर तोड़वाओ, नहीं नईम खान को बंद करवाओ। अरे हमारे साथी ने शुरू से 11 साल के अंदर 10 साल इस्लामुद्दीन भाई, 11 साल के अंदर 10 साल नईम भाई, 10 साल से हमारे साथ है, 11 साल के विकास में 10 साल में देख लीजिए, 1 साल से विरोध होगा। मेरा तो घर तोड़ाओ, रेड करवाओ, हर काम में व्हाट्सएप की मोहर लगाई है इनकी, इन्होंने व्हाट्सएप की तारीफ इतनी की है, आप इनकी सारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चालू भाई सुनिए, चालू भाई, एसीबी जो मैंने अपने हर व्हाट्सएप के काम के ऊपर मोहर लगाई है, कुछ नहीं। चालू भाई, लास्ट सवाल है आपसे, आखिरी सवाल। नईम भाई, आपने जितेंद्र अवध साहब के हर काम के ऊपर, विकास के ऊपर मोहर लगाई है, क्या बोलूं? भाई लास्ट सवाल, जब उनके नेतृत्व में ही होता है, भाई लास्ट सवाल है कि आप टोरेंट के मुद्दे पर अगला कदम आपका क्या होगा? मैं टोरेंट के मुद्दे पर अगला कदम मेरा यही है कि अगर पैनल वाइज उन्होंने कैंप लगा के जो बिल दुरुस्ती है, देखिए मैं एक बात आपको साफ बोल देता हूं, मेरा टोरेंट से खिलाफ विरोध इसी नहीं है मेरा, मैं इंडिविजुअल बोलता हूं कि उनका बिल ज्यादा आता है। अगर मुंबई में भी आज टाटा ने पावर सप्लाई दे रही है, ऐसी कई कंपनियां दूसरी प्राइवेट, टाटा लाइक अलग दे रही है, जहां दुनिया प्राइवेट कंपनियों को दे रही, दी जा रही, गवर्नमेंट सारी रनिंग कंपनियों को प्राइवेट कंपनी को दे रही है। मैं टोरेंट से खिलाफ इसी नहीं हूं कि लोगों को बिल वो ज्यादा दे रही है, फॉल्टी बिल उनके सुधार लेके लिए फॉल्टी बिल देंगे। अगर MSEDCL के तरह उन्होंने बिल दिया और सर्विस अच्छी थी तो मैं आपको साफ बताता हूं, मैं टोरेंट की ये अच्छा, मैं टोरेंट के बिल के खिलाफ हूं और मैं टोरेंट के एवरेज बिल के खिलाफ, शहर में जगह जगह मेरा टोरेंट से इतनी शिकायत पड़े हुए हैं, वो कौन अंदर टोरेंट? हाँ, मैं मेरी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, टोरेंट अपना बिल सही कर दे, और टोरेंट सुनिए मेरी बात इस्लामुद्दीन भाई, मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, टोरेंट अगर लोगों को बिल MSEDCL की तरह देगी और सर्विस अच्छी देगी, मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मेरा बात नहीं है सब, अगर बिल सही देगी और बिल मांगी देगी, एनसीपी लाने वाले ट्रांटो आगे एक फीट तक नहीं, समझ लो अभी इन्होंने नहीं 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 शब्द है क्या, मेरा ट्रांटो का विरोध नहीं है। ठीक है, आप समझ ही नहीं पाए, मेरा एक सीधा बोलना है कि MSEDCL की तरह अगर टोरेंट बिल देती है, एवरेज बिल मीटर 40 हटाती है और लोगों को जितना लाइट यूज होता है उतना बिल देगी, तो मैं टोरेंट से मैं पर्सनली अपना इंडिविजुअल बताओ चालू भाई, मुझे लोगों की अगर लोगों को सहायता मिलेगी फिर देखो तमाशा क्या क्या होता है। खान साहब, उनका कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा, मैं राष्ट्रवादी में बहुत खुश हूँ, राष्ट्रवादी ने शहर का काम किया, आपको खुश रखे लेकिन कम से कम काम करो, जनता का काम किया, जब भी जनता ने खान साहब आपसे भी आखिरी सवाल है खान साहब आपसे, महाघाड़ी सरकार में है और कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर से है, आप भी सब देख रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं, तो क्या आगे आपका भी कदम इस पर क्या रहेगा? देखिए उसका मैं एक तरह बात समझ गया, जो ये नहीं समझ, चालू भाई एक मीटिंग लगाओ, मीटिंग नितिन राव से मीटिंग लगाओ, इन्होंने आप बोलते हैं कि हमारी अकाली सरकार है, जितेंद्र रावत कांग्रेस के जो बल पे खड़े हुए, कांग्रेस ने इनको मदद करी, कांग्रेस ने इनको वोटिंग करी, इन्होंने कभी भी बुलाया क्या कांग्रेस वालों को? लेकिन इन्होंने 11-12 साल से कभी कांग्रेस वालों को बुलाया नहीं, कभी कांग्रेस वालों से पूछा नहीं, बल्कि उल्टा कांग्रेस को खत्म करने इन्होंने लिया हुआ है। मैं इनसे एक बात कहता हूँ,
मैं एक इनसे बात करता हूँ अभी, ये इन्होंने कैसे खत्म करेंगे कांग्रेस को, हम लोग कैंप लगा रहा हूँ ये करो, पहले ये हम लोगों को दावत दे, हम लोगों को बुलाए वो कैंप के अंदर, हम भी देखे ये कैसा वर्किंग करते हैं। भाई दावत देंगे बाद फिर इनके साथ बैठेंगे। मेरी हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए, जिससे शहर का भलाई होता है, मेरे को कांग्रेस हमारे साथ सत्ता में है, साथ में सहयोगी पार्टी है, हमेशा कांग्रेस को वेलकम है और हमेशा वेलकम है, कांग्रेस को हर अच्छे काम के लिए हमारे साथ आना चाहिए, कांग्रेस को खत्म करना है, आप हमको लेटर देना बुलाने का, सामान्य लुटते हैं, अल्लाह ताला को लुटते हैं, कांग्रेस की सोच है जितेंद्र भट्ट साहब की, कांग्रेस की सोच है, आप सिर्फ लेटर भेजो हम लोग आए, ठीक है ना भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, हर विकास काम के लिए आप आइए हमारा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और चर्चा में दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई गई, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इन लोगों की राजनीति में आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि टोरेंट के खिलाफ अगला कदम इन राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।